नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और नए नए वर्ड्स मिलेंगे और एक अच्छी सी मॉरल मिलेगी। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है डिस्प्यूट ओवर अ शैडो। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद। डिस्प्यूट मतलब विवाद। ओवर, ऊपर, एक शैडो, शैडो मतलब होता है छाया। तो डिस्प्यूट ओवर अ शैडो, विवाद एक छाया पर। डिस्प्यूट मतलब विवाद। ओवर, ऊपर, एक शैडो मतलब छाया। डिस्प्यूट ओवर अ शैडो, विवाद ओवर मीन्स ऊपर, एक शैडो छाया। तो विवाद किसके ऊपर है? छाया के ऊपर। तो छाया के ऊपर, एक छाया के ऊपर विवाद। स्टोरी का टाइटल है एक छाया के ऊपर विवाद, डिस्प्यूट ओवर अ शैडो, और हिंदी में एक छाया के ऊपर विवाद। अब चलिए स्टोरी पर नज़र डालते हैं। वंस अ ट्रेडर हैड टू गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी। वंस एक बार, एक ट्रेडर व्यापारी हैड टू गो गया ऑन पर, एक लॉन्ग लंबी जर्नी यात्रा पे। कह रहा है कि एक बार एक ट्रेडर, एक व्यापारी एक लंबी यात्रा पे गया। हैड टू गो मीन्स गया, एक ऑन अ लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा पर। ही हायर्ड अ डोंकी फ्रॉम अ पॉटर। ही व हायर, हायर मतलब होता है काम पर रखना, नियुक्त करना। हायर मतलब काम पे रखना, नियुक्त करना। अ एक डोंकी एक गधा, फ्रॉम से अ एक पॉटर, पॉटर मतलब कुम्भार। जो ट्रेडर था वो व्यापारी था। ही हायर्ड अ डोंकी फ्रॉम अ पॉटर, उसने एक कुम्भार से एक डोंकी को काम में लाया, मीन्स नियुक्त किया, क्योंकि उसे व्यापारी लॉन्ग जर्नी पे जाना था, लंबी यात्रा पे जाना था, इस वजह से उसने एक गधे को हायर किया। द ट्रेडर ऑल्सो टुक द पॉटर अलॉन्ग टू ड्राइव द डोंकी। ट्रेडर व्यापारी ऑल्सो भी टुक लिया पॉटर कुम्हार को अलॉन्ग साथ में, टू को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए डोंकी गधे को। और उस व्यापारी ने पॉटर को, कुम्हार को भी काम पे लगाया उस गधे को चलाने के लिए, क्योंकि जो जिसका काम है वो तो वही करेगा। तो पॉटर को बखूबी आता था कि गधे को कैसे चलाया जाता है। तो व्यापारी साथ में कुम्हार को भी ले गया गधे को चलाने के लिए। इट वॉज समर एंड द वेदर वॉज वेरी हॉट। यह वॉज था समर, गर्मी का मौसम था, ग्रीष्म ऋतु था। एंड और वेदर मौसम, वॉज था वेरी बहुत हॉट, बहुत गर्म था, गर्मी का सीजन था। और प्लस मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि गर्मी के सीजन में मौसम तो गर्मी होगा। तो वही कह रहा है कि गर्मी का टाइम था और मौसम बहुत ज़्यादा ही गर्म था। द ट्रेडर ट्रेवल्ड ऑन डोंकीज बैक टिल नून। व्यापारी जो था ट्रेवल्ड यात्रा कर रहा था ऑन पर डोंकी गधे के बैक के ऊपर मतलब पीठ पर, टिल तक, नून दोपहर तक। और कह रहा है कि द ट्रेडर ट्रेवल्ड ऑन डोंकीज बैक टिल नून मतलब दोपहर तक जो व्यापारी था वो डोंकी की पीठ पर ट्रेवल करता रहा, यात्रा करता रहा। देन ही वॉन्टेड टू रेस्ट फॉर सम टाइम। देन फिर ही वह वॉन्टेड चाहता था टू को रेस्ट आराम करना, फॉर लिए सम कुछ टाइम कुछ समय के लिए वो जो व्यापारी था वो रेस्ट लेना चाहता था। एज देयर वॉज नो ट्री अराउंड ही डिसाइडेड टू रेस्ट इन द शैडो ऑफ द डोंकी। एज जैसा कि देयर वहाँ, वॉज था नो नहीं, ट्री पेड़, अराउंड चारों तरफ, जैसा कि वहाँ पे चारों ओर पेड़ नहीं था। ही वर डिसाइडेड निर्णय लिया, तय किया टू को रेस्ट आराम करने का इन में शैडो छाया में, शैडो मतलब छाया, ऑफ का डोंकी गधे की छाया में।
जो ट्रेडर था दोपहर तक यात्रा करता रहा, फिर उसके बाद वो चाहा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। और जब उसने रेस्ट करने की सोची तो वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं था, और इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो जो डोंकी की छाया है, गधे की छाया है, उस छाया में रेस्ट लेगा। अब सोचिए कि गधा का कितनी छाया होगी। थोड़ा सा यहाँ पे फनी है कि गधे की छाया में वो जो ट्रेडर था आराम करना चाह रहा था, तो वही कह रहा है। तो आगे क्या हुआ? बट द ऑनर वॉज ऑल्सो इन अ मूड टू रेस्ट। परंतु ऑनर, ऑनर मतलब होता है स्वामी, जो उस गधे का मालिक था, वॉज था ऑल्सो भी इन में अ एक मूड मतलब मनोदशा, मूड मीन्स मनोदशा, उसका मन टू को रेस्ट आराम। लेकिन जो ऑनर था, जो उस गधे का मालिक था, वो ऑल्सो इन अ मूड टू रेस्ट, वो भी आराम करने की आस में था। जो मालिक था वो भी आराम करना चाह रहा था। एज देयर वॉज नो ट्री एनी वेयर, जैसा कि देयर वहाँ वॉज था, नो नहीं, ट्री पेड़, एनी वेयर कहीं नहीं, वहाँ पे कहीं, जैसा कि वहाँ पे कहीं नहीं पेड़ था। द ऑनर ऑल्सो स्वामी, उस घोड़े का, उस गधे का मालिक ऑल्सो भी वॉन्टेड चाहता था टू को रेस्ट। रुक जाओ बेटा थोड़ा सा रुक, हाँ देंगे देंगे थोड़ा सा कर ले देंगे। टू को रेस्ट आराम करना इन में शेडो छाया में, ऑफ का डोंकी गधे की छाया में। और कह रहा है कि जैसा कि वहाँ पे कहीं नहीं पेड़ था, तो उस गधे का मालिक भी, उस गधे का मालिक भी उस गधे की छाया में आराम करना चाह रहा था। सो अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द टू, सो इसलिए अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, अरोज पैदा होना, जन्म लेना, उगना, बिटवीन दोनों के, बिटवीन द टू दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब बीच, द टू दोनों के बीच में, और यही इसलिए एक विवाद पैदा हो गया दोनों के बीच में। और घोड़े की छाया में कौन आराम करेगा कौन नहीं आराम करेगा, दोनों का यही चीज़ में झगड़ा हो गया। हाउ कैन यू रिफ्यूज द एनिमल शैडो टू मी, I have paid money to you, said the traveler. How, कैसे, can सकना, you, तुम, refuse, मना, animals, जानवर, apostrophes लगाए, जानवर के, shadow, जानवर की छाया में, to, को, me, मुझे। कह रहा है कि how can you refuse, तुम कैसे मना कर सकते हो जो animals है, जो जानवर है, उसकी छाया, छाया लेने से मुझे। I have paid, मैंने, I मतलब मैं, have paid, past present perfect tense है, I have paid, मैंने दिया है money, पैसा दिया है to you, तुमको। कह रहा है कि I have paid money to you, said, कहा traveler, यात्री ने कहा, said मतलब कहा, traveler यात्री ने कहा, और यात्री ने कहा कि how can you refuse, तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो, animal shadow to me, जानवर की छाया, छाया से। आई हैव पेड मनी, मैंने पैसा दिया है तुम्हें, यात्री ने कहा। तो आगे क्या हुआ? नो आई वुड नॉट लेट यू एन्जॉय द शैडो, नो नहीं, आई मैं, वुड नॉट लेट यू एन्जॉय द शैडो, मैं आपको नहीं, लेट मतलब, लेट मतलब होने देना, यू आपको एन्जॉय आनंद लेने का, शैडो आराम करने का, नहीं मैं आपको छाया का आराम नहीं लेने दूंगा। ये वुड नॉट मतलब गागेगी का सेंस है, मैं नहीं लेने दूंगा आपको छाया का मनोरंजन, मतलब छाया आपको नहीं लेने दूंगा। यू हैव पेड मी फॉर राइडिंग द एनिमल्स ओनली, नॉट फॉर यूजिंग इट शैडो, रिटॉर्टेड द ऑनर ऑफ द डोंकी। You आपने have paid, paid मतलब दिया है, me मुझे, for लिए, riding सवारी के लिए, animals जानवर, only सिर्फ, कहा कि you have paid me for riding the animals only, आपने मुझे pay किया है, पैसा दिया है सवारी के लिए जानवर की सिर्फ। Not नहीं, for लिए, using उपयोग करने के लिए, its उसकी shadow छाया का,
रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड मतलब जवाब देते हुए, रिटॉर्टेड मीन्स जवाब देते हुए, मुंह तोड़ जवाब देते हुए, ऑनर जो स्वामी था ऑफ का डोंकी गधे का, और उसने कहा मैं आपको नहीं लेने दूंगा छाया, यू हैव पेड मी फॉर राइडिंग द ओनली सॉरी यू हैव पेड मी फॉर राइडिंग द एनिमल्स ओनली, आपने मुझे सवारी के एनिमल जानवर के सवारी के पैसे दिए हैं, नॉट फॉर यूजिंग इट्स शैडो, और छाया के पैसे नहीं दिए हैं। यही जवाब देते हुए ऑनर ने, मालिक ने उस ट्रैवलर को जवाब देते हुए ये उत्तर दिया, क्योंकि ट्रैवलर जो था कहा कि मैंने पैसे दिए हैं, मुझे कैसे तुम छाया लेने से मना कर सकते हो। तो इसी सब चीज़ों से वाद विवाद हो रहा है। After trading hot words, the traveler and the donkey's owner came to blows. मत करो बेटा। After बाद trading व्यापार, hot गर्म words शब्दों का, ट्रेवलर यात्री एंड और डोंकी गधे का, अपोस्ट्रॉफी एस लगा मीन्स डोंकी गधे का ऑनर मालिक केम आए टू को ब्लोज, ब्लोज मतलब होता है चोटिल करना, आघात पहुंचाना। कह रहा है कि आफ्टर ट्रेडिंग हॉट वर्ड्स गर्मा गर्मी के बाद, मतलब गर्म शब्दों का उपयोग करने के बाद, यात्री एंड द डोंकीज ऑनर यात्री और गधे का मालिक केम टू ब्लोज, अब दोनों हाथापाई पे उतर आए। अब बातों से काम हो चुका था, अब वो दोनों हाथ घुसा लात यही सब अब एक दूसरे को चोटिल करने लगे, आघात पहुंचाने लगे। दे ग्रैपल विथ ईच अदर एंड आइदर ऑफ देम ट्राई टू नॉक द अदर डाउन। दे वे ग्रैपल्ड, ग्रैपल्ड मीन्स होता है हाथापाई, ग्रैपल्ड मीन्स हाथापाई विथ साथ ईच अदर एक दूसरे से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, और वे दे ग्रैपल विथ ईच अदर, अब वे एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे, ग्रैपल्ड मीन्स हाथापाई। एंड इधर ऑफ देम, इधर मतलब दोनों में से, ऑफ देम उनमें से, उन दोनों में से ट्राइड कोशिश टू को नॉक खटखटाना गिराना द अदर डाउन दूसरे को गिराना। अब वो दोनों क्या करने लगे, दोनों थे यात्री और गधे का मालिक, अब दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश करने लगे, मतलब कि अपने आप को जीतने की और सामने वाले को गिराने की कोशिश करने लगे, मतलब हाथापाई हो रही थी तो किसी न किसी को तो जीतना था, तो यही दोनों अब एक दूसरे को गिराने की कोशिश करने लगे। दो डोंकीज आर नोन टू बी सिली, एट दिस डोंकी वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। दो मतलब यद्यपि, हालांकि डोंकी गधे आर थे नोन जाने जाते हैं टू मतलब को बी होना सिली, सिली मतलब मूर्ख, हालांकि गधे मूर्ख माने जाते हैं, एट मतलब तब भी दिस यह डोंकी गधा वास क्वाइट बिल्कुल इंटेलिजेंट बुद्धिमान था, कि गधे जो होते हैं मूर्ख होते हैं, एट तब भी दिस डोंकी जो ये डोंकी था ये गधा था वे यह बिल्कुल इंटेलिजेंट था बुद्धिमान था। ही वॉज एस्टोनिस्ट एट द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ बोथ द मेन। ही वॉज था एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, चकाचौंध होना, आश्चर्यचकित होना, चौंकना, एक तरह सरप्राइज्ड होना, एट पर शॉर्ट छोटी साइटेडनेस मतलब दृष्टि, शॉर्ट मतलब छोटी, साइटेडनेस मतलब दृष्टि ऑफ का बोथ दोनों मैन दोनों आदमियों की, जो गधा था वो बहुत ही चौंका हुआ था क्योंकि वो उनकी छोटी सी दृष्टि के ऊपर जो छोटी सी अदूर मतलब उनकी जो नज़र थी इतनी छोटी थी और इस छोटी सी चीज़ के लिए वे झमेला कर रहे थे, यही सब चीज़ें देखकर गधा जो था एकदम मतलब कि हक्का बक्का हो रहा था, सरप्राइज्ड हो रहा था कि भाई इस कैसी छोटी सी चीज़ के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं, और ये छोटी सी चीज़ कोई गधे की छाया में आराम कोई कर सकता है, यही सब चीज़ों को वो जो गधा था सोचकर उसे बहुत अचंभा होता है कि ये दोनों किस चीज़ पे लड़ाई कर रहे हैं।
सो ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन. सो इसलिए ही वह डिसाइडेड तय किया निर्णय लिया टू को टीच पढ़ाने का देम उन्हें अ एक लेसन एक पाठ. और इसलिए गधे ने उन्हें सोचा क्यों नहीं इन्हें पाठ पढ़ाया जाए, मतलब कि ये किस चीज़ पे लड़ रहे हैं इनको उस चीज़ को समझाया जाए, इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाया जाए, गधे ने सोचा. फाइंडिंग बोथ द मेन इन अटेंटिव द इंटेलिजेंट डोंकी टुक टू हिज हील्स लिविंग देम इंगेज्ड विद ईच अदर. फाइंडिंग पाना बोथ दोनों मेन आदमियों को इन अटेंटिव. इन अटेंटिव मीन्स होता है असावधान, मतलब कि अलर्ट नहीं रहना. इन अटेंटिव मीन्स अलर्ट नहीं रहना, असावधान, मतलब लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहना. इन अटेंटिव मीन्स इंटेलिजेंट बुद्धिमान डोंकी गधा टुक लिया टू को हिज अपने हील्स. हील्स मतलब पैरों को. लिविंग छोड़ दिया देम उन्हें इंगेज्ड व्यस्त विथ साथ ईच अदर एक दूसरे के. और फाइंडिंग बोथ द मेन दोनों को पाया, जो गधा था दोनों को पाया इन अटेंटिव असावधान, और दोनों को पाया कि दोनों अलग ही अपना व्यस्त हैं. जो गधा देखा कि दोनों जो आदमी है अपना अलग व्यस्त हैं, किस काम से आए थे यहाँ पे और वे लोग किस काम में व्यस्त हैं, ये सब देखकर गधा क्या सोचा. द इंटेलिजेंट डोंकी जो बुद्धिमान गधा था टुक टू हिज हिल्स वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ. लिविंग छोड़ दिया उन दोनों व्यस्त आदमियों को, जो दोनों एक दूसरे में व्यस्त हैं उन दोनों को छोड़कर वो गधा वहाँ से चला गया. एज अ रिजल्ट द ट्रेवलर कुड नॉट रीच हिज डेस्टिनेशन एंड द डोंकीज ऑनर लॉस्ट हिज डोंकी हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम. एज जैसा कि अ एक रिजल्ट परिणाम द ट्रेवलर यात्री कुड सकना नॉट नहीं रीच पहुंच सका हिज अपने डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान जहां उसे जाना था. डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य स्थान जहां उसे जाना था. एंड और डोंकी गधे का अपोस्ट्रोफियस लगा मीन्स डोंकी का ऑनर मालिक लॉस्ट खो दिया हिज अपना डोंकी अपना गधा खो दिया. हिज उसका ओनली सिर्फ सोर्स स्रोत ऑफ का इनकम आय का. और कह रहा है कि एज अ रिजल्ट परिणाम यह हुआ ट्रेवलर कुड नॉट रीच हिज डेस्टिनेशन जो यात्री था अपने गंतव्य स्थान नहीं पहुंच पाया. एंड डोंकीज ऑनर लॉस्ट हिज डोंकी और जो गधे का मालिक था उसने अपना गधा खो दिया जो उसके इनकम का आय का जरिया था. एक एकमात्र जो जिससे वो इनकम करता था आय का स्रोत था उसका वो उसने डोंकी के मालिक ने खो दिया, अपना खुद का गधा उसने खो दिया. नाउ बोथ ऑफ देम केम टू रियलाइज दैट दे वर क्वारलिंग ओवर अ ट्राइफल. नाउ अब बोथ दोनों ऑफ का देम बोथ ऑफ देम मीन दोनों केम दोनों को केम आया टू को रियलाइज महसूस हुआ दैट की दे वेयर थे क्वेलिंग झगड़ा कर रहे थे ओवर ऊपर अ ट्राइफल. ट्राइफल मतलब होता है छोटी सी बात पर. ट्राइफल मतलब छोटी सी बात पर वे झगड़ा कर रहे थे. अब दोनों को महसूस हुआ कि वे छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा कर रहे थे, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि गधे की छाया में कौन सोएगा कौन नहीं सोएगा, ये भी कोई बात हुई झगड़े का और इसी बेवकूफ़ी भरी बात पे वे दोनों झगड़ा कर रहे थे और दोनों ही बीच मझधार में फंस गए अपनी अपनी मूर्खता के कारण, जो यात्री था और जो गधे का मालिक था. They even tried to spot the donkey, but it was nowhere. कोशिश किए टू को स्पॉट. स्पॉट मतलब जगह का पता लगाना कि कहाँ पे पता. स्पॉट मतलब पता लगाना, जगह का पता लगाना कि डोंकी कहाँ है, गधा कहाँ है. बट लेकिन इट यह वॉज था नो वेयर कहीं नहीं. उन्होंने कोशिश की कि डोंकी कहाँ है गधा कहाँ है पर उन्होंने कहीं नहीं गधे को पाया. सो दे रिपेंटेड ऑफ देयर फॉली. सो इसलिए दे वे रिपेंटेड
पछता रहे थे, रिपेंटेड मतलब पछताना, ऑफ का देयर अपने फॉली अपनी मूर्खता के ऊपर, फॉली मीन्स मूर्खता के ऊपर वे बहुत ज़्यादा पछता रहे थे कि अगर वे अटेंटिव रहते तो उनका गधा उन्हें छोड़कर नहीं भागता, इस चीज़ को लेके वे बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। तो चलिए स्टोरी का मॉरल जानते हैं। It is unwise to quarrel over trifles. It yeah is है unwise, अबुद्धिमानी का कार्य। Unwise मतलब अबुद्धिमानी का कार्य है to को quarrel झगड़ा करना over ऊपर trifles, trifles में छोटी छोटी बातों पर। ये बहुत ही बुद्धिहीनता की निशानी है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़ कर लड़ कर हमें अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना ऐसे ही लड़ने झगड़ने में टाइम बर्बाद कर देंगे तो जिस एम के लिए, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो पीछे का पीछे ही रह जाएगा और हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सपोर्ट करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।